गाइस यार तीनों दोस्त भागकर आते हैं और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपना गिटार निकालकर बजाने लगते हैं। राजू गिटार बजाकर साथ में गाना गा रहा होता है, ये सुनकर लड़की बालकनी पे आकर खड़ी हो जाती है। राजू लड़की को देखता है तो अपना पूरा दम लगाकर गाने लगता है। लड़की की माँ आती है और तीनों के ऊपर गोबर फेंकने लगती है। आगे यार कल वो आंटी सटिया गई लगती है। तीनों आंटी को देखकर जल्दी से वहाँ से भाग निकलते हैं। कल और पिंटू दोनों रस्ते से जा रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई पानी फेंकता है। हो गई है क्या, दिखाई नहीं देता कहानी कहीं। दिखाई तो सब देता है पर मैंने तो सड़क के ऊपर फेंका। सड़क तेरे बाप की है, सड़क पे चलने वाले कुत्ते भौंकते रहते, मैं इस पे ध्यान नहीं देता। यार पकड़ मुझे, आज मैं इस लाइन को छोड़ूंगा। अरे रुक रुक पिंटू, इतना गुस्सा नहीं होता, वो लड़की है जाने, आगे से ध्यान रखना। छोटों का तो काम होता है, भोकना हाथी को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। इनके चक्कर में भूख भी ज्यादा लग चुकी है, अब बनाकर कुछ खाना पड़ेगा। दोनों दोस्त लड़की को खाना बनाते हुए चिपकर देखते हैं। लड़की खाना बनाकर तैयार कर देती है और प्लेट में डालने लगती है। दोनों दोस्त लड़की को डराने के लिए एक चूहे को भेजते हैं। लड़की चूहे को देखती है तो डरकर वहां से भाग जाती है। दोनों घर में आते हैं, लड़की का सारा बनाया हुआ खाना खाने लगता है। उनके साथ क्या होगा वो जानेंगे पार्ट 2 में। वीडियो को लाइक करके अपने प्यारा सा नाम कमेंट कर देना।